चुनाव के लिए और ज्यादा मेहनत करें कार्यकर्ता। बीजेपी ने भ्रष्टाचार और दलालों को खत्म किया है। हरियाणा में बीजेपी ने एक इतिहास रचा है और लोकसभा चुनाव जीतने का डंका 12 बजे बज गया था। ये जीत कार्यकर्ताओं की एकता की जीत है और बेटी बचाओ अभियान से एक विकृति दूर हो गई है और 3,500 गांवों में 24 घंटे बिजली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। आने वाले 5 सालों में सुरक्षा को और कड़ा किया जाएगा और आने वाले सप्ताह में 20,000 नौकरियां भी निकाली जाएंगी। सीटों का चुनाव जीता है, इस मार्जिन को जब जीता और 10 की 10 सीटें जीती है तो ऐसा लगता है जैसे भारत और बांग्लादेश का क्रिकेट का मैच हो और बांग्लादेश को उठा करके ऐसा फटका है, उसको भी कभी उम्मीद होती नहीं है, या उम्मीद लगा के बैठे थे तो भी हमने सब पटक दिया, इतनी बड़ी जीत ली। लेकिन जब 10वीं सीट हमारी रोहतक की बात आती है तो बहुत लोगों को समझ, तो जब रोहतक सीट जीत का डंका तो रात को 12 बजे बज गया था, लेकिन फिर भी विपक्षी दलों की जो एक करतूतें रहती हैं वो करतूत सवेरे 5:30 बजे तक लगे रहे वो, और सवेरे 4:30-5 बजे जाके सर्टिफिकेट मिला अरविंद शर्मा जी को, आप लोगों ने सांसद चुना। ये जीत तो एक बहुत बड़े, जिसको कहना किसी किले को ध्वस्त करने वाली बात, ये उस प्रकार की जीत है, एक किला ध्वस्त किया है। हमारा कार्यकर्ता चुनाव के दिनों मैंने देखा है, उसने अपने स्वार्थ की चिंता नहीं की, अपनी भूख की चिंता नहीं की, अपनी नींद की चिंता नहीं की, दिन रात एकजुट होकर के एक टीम के रूप में लगा रहा। सामने कांग्रेस के लोग या जो नई पार्टी जेजेपी खड़ी हो गई, ये सब एक दूसरे के साथ लड़ भिड़ करके सामने आते रहे हैं। इनकी लड़ाई भड़ाई मंचों पर भी होती रही है, एक दूसरे के खिलाफ FIR तक कराते रहे हैं, लेकिन जिस एकजुटता का परिचय, साथ चलेंगे, साथ काम करेंगे और साथ मिल करके चुनाव परिणाम ला करके जीत के दिखाएंगे, हर वर्ग को, महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से इतना संतोष हुआ है इस बात का कि जो जेंडर रेशो एकदम 850-900 हो गई थी, वो अभी आज के दिन में अगर मासिक जेंडर रेशो है तो 933 को टच कर गई है मित्रों, 933 को। एक समाज की विकृति को हमने दूर, वो जमाना निकल गया जब व्यापारियों से मंत्री ली जाती थी, वीकली ली जाती थी, साप्ताहिक चंदा, किसी को भी फोन कर दिया और फोन करके उसको कहा कि भाई तुम जो है मेरे घर में इतना पैसा पहुंचा दो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। कहीं कहीं इक्का दुक्का घटनाएं आज भी हो जाती है, मैं ये नहीं कहता कि कोई 100% खत्म हो गई है, लेकिन जैसे होती है तुरंत तो उसको हम धर पकड़ते हैं और उसको सजा दिलाई जाती है। आज उनको किसी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता, वरना तो राजनीतिक संरक्षण के नीचे इस प्रकार के बदमाशों के अड्डे ये थानों के नीचे भी पलते थे, हर किसी को किसी ना किसी का हाथ ऊपर सिर पर रहता था। मित्रों हमने सब खत्म कर दिया है, दलालों को, बिचौलियों को, भ्रष्टाचारियों को, इनको सबको समाप्त किया। कि जिस प्रकार का एक मेहनत का एक परिचय आपने दिया है, जिस प्रकार का संकल्प, जिस प्रकार का दृढ़ निश्चय, और जैसे आपने अपने काम को बखूबी मेहनत करके किया है, वही काम अब दोबारा से विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और इस विधानसभा के चुनाव में आज हरियाणा के अंदर संयोग से हमने बाकी सारी बातों पर तो निदान उनका कर दिया, समस्याओं का हल पा लिया है। कहीं कहीं छोटी मोटी बातें, चाहे वो बिजली की है, पानी की है, सड़क की है, बिजली हमने 3,500 गांव में 24 घंटे देनी शुरू कर दी, बहुत छोटे छोटे काम बाकी बचे।